हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेट दिल्ली चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं आकलन 5 यानी कि वर्क असेसमेंट नंबर 5 की, जो कि क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं आज की ये असेसमेंट जो कि 5 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के घेरे को काला करना है। तो जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 68 डिग्री, ऑप्शन बी 97 डिग्री, ऑप्शन सी 48 डिग्री और ऑप्शन डी 37 डिग्री। तो इसमें जो सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, तो यानी कि 97 डिग्री ही इसमें आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो सही है वो बिल्कुल सही आता है, इसमें बी ऑप्शन को आपको काला करना है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर है? ठीक है, तो जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के बीच का अगर अंतर हम देखें, तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसके अगर बीच में हम बात करें तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंट है। ठीक, और 15 डिग्री बराबर होते हैं 1 घंटे, तो ऐसे में 30 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे? 2 घंटे। तो इसमें लगभग 2 घंटे का अंतराल आएगा। ऑप्शन है लगभग 2 घंटे, बी है लगभग 1 घंटा 45 मिनट, सी है लगभग 5 घंटे और डी है लगभग 3 घंटे। इसमें जो 2 घंटा है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन को आपको गोला करना है। इसका अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामोत्तर का क्या मान है? तो इसमें आप देखें, ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री, बी ऑप्शन है 68 डिग्री, सी ऑप्शन है 37 डिग्री और डी ऑप्शन है 45 डिग्री। तो इसमें से देखिए, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है 82.5 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, इसमें हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ? अब इसमें ऑप्शन है 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 4700 साल पहले और 2500 साल पहले। तो इसमें जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है 4700 साल पहले, ये बिल्कुल सही है। अतः इसमें आप सी ऑप्शन को गोला करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्न हल किए हैं, आइए उनके केवल हम लोग उत्तर देखते हैं। तो ऐसे में पहले का उत्तर बी है, दूसरे का जो आंसर है वो ए है और तीसरे का जो आंसर है वो भी ए है और चौथे का ऑप्शन जो सही है वो है सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव किससे मिलने गए थे? तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन है माताजी, बहन, पिताजी, भाई। तो वो कोरेगांव अपने भाई से, अपने पिताजी से मिलने गए थे। तो ऐसे में जो सी ऑप्शन है पिताजी, ये बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हड़प्पा के शहर नहीं मिले? तो इसमें देखिए, ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है केरल। तो देखिए, जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो भारत का हिस्सा है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पे हड़प्पा के स्थल मिले हैं, जो कि केरल आप देखते हैं भारत के बिल्कुल दक्षिण में है, तो यहाँ नहीं मिलते। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 7वां प्रश्न है, हड़प्पा में ऊँचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है स्नानागार, बी मंच, सी नगर दुर्ग
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊंचाई वाले भाग हुआ करते थे उनको नगर दुर्ग के नाम से जानते थे, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर नहीं है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, लखनऊ। तो इसमें देखिए जो हड़प्पा के शहर हैं, मोहनजोदड़ो भी शहर है, धौलावीरा भी है, लोथल भी है, जो लखनऊ है ये हड़प्पा का शहर नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, मोहनजोदड़ो के खास तालाब को क्या कहते हैं? महान स्नानागार, बड़ा तालाब, शाही तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो जो वहाँ के स्नानागार हुआ, मोहनजोदड़ो के जो खास तालाब होते थे उनको महान स्नानागार के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 10 है, मोहनजोदड़ो के तालाब के चारों ओर क्या बनाए गए थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन है झंडे, मूर्तियाँ, कमरे, खम्भे। तो जो तालाब थे उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केवल हम लोग उत्तर देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसका आंसर जो है वो बी सही है, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का सी, पांचवें का सी, छठे का डी, सातवें का सी, आठवें का डी और नौवें प्रश्न का ए और दसवें का सी। इस तरीके से बच्चों आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये असेसमेंट वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।